जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का एक ऐसा सुंदर दोहा कि जिसे सुनकर आप सबका मन खुशी से भर जाएगा। आपके मन में भगवान श्री राम जी की भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह दोहा ही ऐसा है कि जो कोई भी इसको सुनता है उसके मन में भगवान श्री राम जी का प्रेम पहले से अधिक बढ़ जाता है। और वो दोहा है भगवान श्री राम जी के वनवास काल के समय का, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को वन में खोज रहे होते हैं, और घूमते घूमते भगवान श्री राम जी माता शबरी के यहाँ जाते हैं। शबरी भगवान श्री राम जी की परम भक्त थी, जो कि काफ़ी समय से भगवान श्री राम जी के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शबरी को उनके गुरु महाराज जी ने कहा था कि कभी ना कभी भगवान श्री राम तुम्हारे कुटिया पर अवश्य आएंगे। तो शबरी काफ़ी लंबे समय से भगवान श्री राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, और इसी प्रतीक्षा का जब समय पूरा हुआ तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित शबरी के आश्रम पर गए, शबरी की कुटिया पर गए, और शबरी प्रसन्न हो उठी, और शबरी ने अपने मन से भगवान श्री राम जी का बड़ा धन्यवाद किया, और प्रभु राम को बड़े प्रेम से वन के कंदमूल फल खिलाने लगी। तो उसी समय का यह परम पावन सुंदर दोहा है, जो कि श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में आया है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको आनंद मिलेगा। तो वह दोहा है इस प्रकार है, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल खाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। तो इस दोहे में स्पष्ट है कि माता शबरी ने अपने प्रभु श्री राम जी के लिए वन से जो फल लेकर आई थी उसको माता शबरी ने पहले स्वयं चखा, और उनमें से मीठे मीठे फल प्रभु श्री राम जी को दिए, और प्रभु श्री राम जी ने माता शबरी के प्यार का सम्मान करते हुए, माता शबरी की भक्ति का आदर करते हुए शबरी के झूठे फलों को बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि प्रभु तो प्रेम देखते हैं, वो तो हृदय की भावना देखते हैं। माता शबरी के हृदय की भावना थी कि प्रभु श्री राम को मीठे मीठे फल खिलाऊंगी, और उसी भावना का सम्मान करते हुए प्रभु ने माता शबरी के झूठे फलों को खाया। और आज तक भी शबरी का गुणगान किया जाता है। भगवान श्री राम और शबरी की यह कथा आज भी लोगों में प्रसिद्ध है। जो भी कोई इस कथा को सुनता है उसका मन आनंद से भर जाता है। तो श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड का यह दोहा सबको बड़ा प्यारा लगता है। भगवान श्री राम जी की कृपा से ही ऐसे सुंदर दोहे सुनने को मिलते हैं, भगवान श्री राम जी की सुंदर कथा सुनने को मिलती है। भगवान श्री राम जी की कथा तो सुनने मात्र से हमारे लाखों जन्मों के पापों का नाश करती है, और हमें भगवान श्री राम जी की भक्ति में लगाती है। जैसे कि कहा भी गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात जब तक सांसें हैं तभी तक हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और इस जीवन में अगर हमने भगवान की भक्ति ना की तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो यह परम पावन कथा, भगवान श्री राम जी की परम पावन कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा, भगवान श्री सिया राम जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।